हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखा जॉनी, क्या तुम उससे दूर फेंक सकते हो पत्थर? क्यों नहीं, बोल क्या देगा अगर मैंने उसे फेंक दिया तो? अबे जाना, कुछ भी हाँ बोल देते हो। तुमने पूरी जिंदगी भी कोशिश कर ली ना, तब भी तुम उससे आगे नहीं पहुंच पाओगे। जॉनी, दिखा दे इस बंटी के बच्चे को अपना दम। अच्छी कोशिश थी। अगर तुझमें इतना ही दम है तो अपने चैंपियन डैनी को हरा कर दिखाओ। कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मुझे एक क्यूब मिला है ना, मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। लगता है डैनी ने पहली हार मान ली। ओ बंटी भाई, जिस बारे में तुम बात कर रहे हो ना, इसमें दिमाग लगता है तुम्हारे बस की बात तो है नहीं। अच्छा, तो तुम्हें इतना ही दिमाग है तो उसे सॉल्व करके क्यों नहीं दिखाता? दिखाऊंगा ना, जब कोई मुझे चैलेंज करता है ना, मेरा दिमाग और तेज चलता है। किसको तैरना था क्या? मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। अब कोई फायदा नहीं है, तब तक वो डूब जाएगा। डैनी रुक जा, डैनी रुक जा, डैनी रुक जा, डैनी रुक जा, डैनी, डैनी, डैनी नहीं। Danny!
मान गया तुझे डैनी, आज तो तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। और मैंने तो पहले ही कहा था हमारा डैनी तो चैंपियन है, चैंपियन। वाकई डैनी, तुमने आज एक इंसान की जान बचा ली, शाबाश। देखो इस लड़के को, किसी बात की परवाह नहीं है इसको। अरे कौन समझाएगा इसको? ये तो मर चुकी है। डैनी, 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 फिर से दम का दौरा पड़ गया। डैनी, डैनी, तुम इसे संभालो, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। हेलो, जी मुझे रूहिया ब्रिज के पास एक एम्बुलेंस चाहिए अभी। जी इट्स सीरियस। सर वो गलती मेरी थी, गाड़ी चलाते चलाते मेरी आंख लग गई और गाड़ी ब्रिज के नीचे गिर गई, तो डैनी ने मेरी जान बचा ली। अगर डैनी ठीक वक्त पे नहीं आता ना, तो शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। वाकई डैनी, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। वो भी सर दमे की तकलीफ होने के बाद। यही तो मैं इसको समझा रहा था, इसे अपनी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। आप सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है, जिस स्कूल में डैनी पढ़ता है मैं उस संस्था को चलाता हूँ और मैं ही उसका मालिक हूँ। और हमें अच्छे काम करने की सीख भी हमारे सिद्धार्थ सर देते हैं। गुड, चलो बच्चे लोग अपना अपना ख्याल रखना है। गुड बॉय। हाँ सचिन, कुछ पता चला लाश से? ये देखिए सर, किसी धारदार हथियार से गला काटा इसका, और मारने के बाद पानी में फेंक दिया गया। सर लगता है मरने से पहले इसकी खूनी के साथ हाथापाई हुई। ये देखिए इसके हाथों पर हरोचों के निशान। और सर इसकी बॉडी देख के लगता है कि काफी समय पहले पानी में फेंका था इसे। फिर तो खूनी के उंगलियों के निशान या डीएनए का मिलना तो जरा मुश्किल ही लग रहा है। हाँ, है कौन ये? क्या इसके बॉडी पर से कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई पहचान मिली? नहीं सर, इसके पास से कोई पहचान नहीं मिली सर। कपड़ों से तो अच्छे घर की लग रही। सर ये तो इस कार एक्सीडेंट की वजह से हमें इस लाश के बारे में पता चला, वरना ये गुना तो पानी में डूब कर ही रह जाता। हाँ, और अगर गुनहगार का पता लगाना है तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये लाश, ये लड़की है कौन। अभिजीत, तारिका जी,
इतनी कमजोर नजर आ रही हैं आप, क्या बात है, डाइटिंग कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, वो क्या ना थोड़ा सा बुखार आ गया था। बुखार? आप बुखार होने के बाद भी काम पे आई हैं? इतनी बेरहमी हो रही है इनके साथ? अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं खुद ही घर पे आराम नहीं करना चाहती थी। अच्छा अच्छा इसे कहते हैं काम के प्रति समर्पण, सम्मान, कमिटमेंट। हो गया आपका सहानुभूति पर या कुछ बाकी है? हाँ हाँ, तो काम की बात कर ले। काम की बात कर रहा हूँ सर, केस की बात कर रहा हूँ मैं भाई साहब। हाँ केस की बात जी, क्या 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 कहना चाहते हैं केस के बारे में आप? ये देखो, इसके गले पर ये जो घाव है, इससे साफ पता चलता है कि इसकी मौत किसी धारदार हथियार से गला काटने की वजह से हुई। सर कितना समय हुआ होगा इसकी मौत को? 35 से 40 घंटे। 35 से 40 घंटे मतलब करीब 2 रात पहले। 35 से 40 घंटे का क्या मतलब होता है? अरे लेकिन कुछ ऐसा मिल जाए जिससे इसकी पहचान हो तो केस आगे बढ़े। मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ। हाँ बताइए। ये लड़की स्किन एलर्जी की दवाइयाँ लेती थी। लेकिन इससे इसकी पहचान नहीं होने वाली। कुछ और? कुछ और के लिए इधर देखना पड़ेगा। अब इधर नहीं, इधर। ये देख, इस लड़की की पहचान का एक रास्ता इसके हाथ पर है। ये निशान? हाँ ये निशान। मगर पता लगेगा, थोड़ा वक्त दो। ठीक है, इससे इसकी पहचान हो जाए तो हमारा काम तो बन ही जाएगा। हाँ सर, हमने इसका डीएनए और उंगलियों के निशान अपने डेटाबेस से मैच करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर पिछले हफ्ते की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट में भी देखा सर, किसी ने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई। अजीब बात है सर, 2 दिन हो गए और किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। हो सकता है ये लड़की शहर से बाहर की हो। सर या तो ये शहर में अकेली रहती हो। अभिजीत ये देखो रास्ता साफ। आर यू? ये निशान यहाँ हाथ पे, ऐसे निशान तो वो नाइट क्लब और डिस्को डिस्को वाले लगाते हैं ना। हाँ सर। या आर यू नाम से कोई नाइट क्लब है क्या? हाँ सर, रॉक यूनियन नाम का नाइट क्लब है यहाँ पर। रॉक यूनियन, चलो वहां चल के देखते हैं, शायद कुछ पता चले। रॉबिन किचन में कहो थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, अभी थोड़ी देर में कस्टमर से भर जाएगी ये जगह। जी सर। आइए आइए सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? सीआईडी से हम लोग, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। सीआईडी? क्या मदद कर सकता हूँ सर मैं आपकी? इस औरत को पहचानते? शायद 2 दिन पहले यहाँ आई थी। जी ये मिस सोनाक्षी है, क्या हुआ इन्हें सर? सोनाक्षी अक्सर आती थी क्या यहाँ पे? जी सर अपने दोस्तों के साथ, अब वो अभी उनकी दोस्त। सच में? ओह गॉड, यस सही कहा। एक्सक्यूज मी, हम आपकी दोस्त सोनाक्षी के बारे में पूछताछ करने आए हैं। आपको कैसे पता कि हम सोनाक्षी के दोस्त हैं? हम लोग सीआईडी से। क्या क्या सब ठीक तो है ना? एक्चुअली सोनाक्षी से कल से हमारी बात नहीं हो पाई। उसका खून हो गया। क्या खून? खून सोनाक्षी का? कैसे? 2 दिन पहले तो हम साथ में ही पार्टी कर रहे थे। कब से जानते हैं आप सोनाक्षी को? सर कई सालों से। काफी पुरानी दोस्ती आप लोगों की। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि सोनाक्षी किसी से परेशान थी या उसे कोई मारना चाहता हो? ये सब तो हम नहीं जानते, पर सोनाक्षी तो बहुत खुश थे अपनी जिंदगी और अपने काम से। क्या काम करती थी सोनाक्षी? सर वो पुणे में अपना एक स्पा सैलून चलाती थी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी की कामयाबी से दूसरे लोग जलने लगते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं था कभी बताया हो सोनाक्षी ने इसके बारे में? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं थी, और वो अपने निजी जिंदगी के बारे में कभी कोई बात नहीं करती थी। ठीक है
दो दिन पहले जब आप लोग मिले थे तो क्या हुआ था? सर उस रात भी हम किटी पार्टी कर रहे थे, पर हैरानी की बात ये थी जो सोनाक्षी किसी को पार्टी छोड़कर जाने नहीं देती थी वो उस रात खुद पार्टी छोड़कर चली गई। आप लोगों ने पूछा नहीं उससे? पूछा था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कितने कितने बजे गई थी वो? यही कोई 12:30 बजे के करीब। ए, सुनो इधर आ। जी सर। दो दिन पहले जब यहाँ पार्टी चल रही थी तो तुम थे यहाँ पे? हाँ सर, मैंने इन लोगों को सर्विस दी थी। अच्छा, फिर तो तुमने सोनाक्षी को भी देखा होगा। हाँ सर, मैंने यहाँ देखा था, बाहर लॉन में फोन पर किसी से बात कर रही थी, तब भी देखा था सर। फोन पे बात कर रही थी तो कुछ सुना? क्या बात कर रही थी? हाँ सर, किसी राघव का नाम ले रही थी। बार बार कह रही थी कि इतना जरूरी था तो हमसे मिलने पार्टी में क्यों नहीं आया, और फिर वो चली गई। राघव? तुम जानते हो किसी राघव को? नहीं सर। ठीक है, आप लोग किसी राघव को जानती हैं क्या? राघव? राघव नहीं। सॉरी सर, ऐसे किसी आदमी को हम नहीं जानते। ठीक है भूभी, सोनाक्षी का कॉल रिकॉर्ड निकालो, पता चलेगा कौन है ये राघव, क्यों परेशान थी इससे मिलने के लिए। सर, लगता है पत्रकार जी खबर से ऊब गए, इसलिए पेपर उठा के बाहर फेंक दिया। फेंका नहीं है, दो दिन से उठाया नहीं है इसने। दो दिन से? सर कहीं से राघव को कुछ हो तो नहीं गया? देखो कुछ मिलता है क्या। सर राघव घर पे नहीं है। लेकिन जब भी गया यहाँ से काफी परेशान और जल्दी में था, चाय तक नहीं पिया। सर इस सोनाक्षी के खून में राघव का हाथ तो नहीं? मारकर छिप गया किसी बिल में? हो सकता है, उसके ऑफिस में फोन करो, देखो क्या पता चलता है। सर सर, ये बहुत ही इंपोर्टेड और महंगी घड़ियां है सर। इंपोर्टेड घड़ियां? घर के अंदर दो दो एलईडी टीवी, इंपोर्टेड घड़ियां, ये कहां से आई इसके पास? सर अगर पहले पता होता एक साधारण सा पत्रकार इतना कमाता है तो मैं यही लाइन चुनता। अरे नहीं यार, ये सारी चीजें ईमानदारी से नहीं कमाई गई हैं। सर लगता है किसी गैर कानूनी काम से जुड़ा हुआ है। सर राघव दो दिन से ऑफिस नहीं गए, उसके ऑफिस वाले ने उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। सर इसका मतलब वो फरार हो गया। उसके ऑफिस से सोनाक्षी के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने राघव के साथ काम करने वाले उसके एक दोस्त से बात की, वो सोनाक्षी नाम की लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सर जैसे सोनाक्षी के कोई भी दोस्त राघव को नहीं जानते? सर इंटरेस्टिंग, दोनों एक दूसरे को जानते हैं लेकिन दोनों के दोस्त इनके बारे में नहीं जानते। सर सर ये देखिए। सर ये लिपस्टिक है कलर, ये सब तो लड़कियां इस्तेमाल करती। ये इसके पास क्या कर रहा है सर? राघव की तो शादी भी नहीं हुई। मतलब कोई लड़की है इसकी जिंदगी में? कौन लड़की? एक काम करो, इसके फोन की आखिरी लोकेशन पता करो, देखते हैं कहां छुपके बैठा है। सर इन लोगों को नदी छानते हुए पता ही नहीं चल रहा है। वही तो,
गया कहाँ ये राघव? सर, राघव का मोबाइल जहाँ ट्रेस हुआ था उसके आसपास का 2 किलोमीटर का इलाका छान मारा सर, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगा। सर, मैंने पास के गांव में उसकी फोटो भी दिखाई और पूछताछ भी की, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे लेकिन फोन तो यहीं पे लोकेट हुआ था सर, तो गायब कहाँ हो गया? एक लाश मिली है। संभाल गए। ये तो राघव है सर। ये देखो अभिजीत, राघव का भी गला काट दिया है। इनके हाथ पे भी वैसे ही हाथापाई के निशान है। बिल्कुल वैसे ही मारे जैसे सोनाक्षी को। सर, कहीं किसी सीरियल किलर का काम तो नहीं जो एक ही तरीके से खून कर रहा है? सीरियल किलर तो नहीं लगता श्रेया। सीरियल किलर अपने खून को छुपाते नहीं है बल्कि अपने शिकार का दिखावा करते हैं ताकि लोगों में डर पैदा हो सके। सर, तो क्या राघव और सोनाक्षी से कोई निजी दुश्मनी निकाल रहा है? अभिजीत, दूसरे शहर में एक औरत स्पा चलाती है, उसका नाम है सोनाक्षी, और यहाँ पे हमें लाश मिलती है एक पत्रकार की, राघव की। दोनों के खून एक ही तरीके से होते हैं, पर ऐसी क्या बात है इन दोनों में जो खूनी इनका दुश्मन बन गया? सर, राघव के लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट। डिविएटेड सेप्टम, नाक की एक नली सिकुड़ गई थी इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती थी। सर, हम सोच रहे थे कि सोनाक्षी की मौत में राघव का हाथ है, मगर इसका भी खून हो गया। हाँ सर, इसकी मौत हुई 18 से 20 घंटे पहले, सोनाक्षी के मरने के एक दिन बाद यानी कल। सर, पिछले 2 महीने में राघव के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा किए गए। सर, इतने सारे पैसे इसके अकाउंट में कहां से आए? गलत काम कर रहा होगा वो, गलत काम। ठीक है, सोनाक्षी और राघव के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 3 महीने से ही इनकी आपस में बातचीत चल रही थी, उससे पहले नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक्स। सर, राघव के घर से जो ये फटी फोटो मिली थी हमें, इसमें इस लड़की का पता लग गया है, रश्मि नाम है इसका। सर, कहीं ये रश्मि तो नहीं जो राघव के घर में रह रही थी? लगता है इन दोनों के बीच में किसी बात को लेके संबंध बिगड़ गए होंगे और गुस्से में आके राघव ने फोटो फाड़ के डस्टबिन में फेंक दी। हो सकता है दया, हो सकता है, और ये सब इस सोनाक्षी की वजह से ही हुआ होगा, और शायद इसीलिए रश्मि ने इन दोनों को, राघव और सोनाक्षी को, अपने रास्ते से हटा दिया। सर, रश्मि से मिलना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, कब निकलूंगा मैं? दवाइयां, इंजेक्शन, मैं बीमार थोड़ी ना हूं। हैं? ये क्या हो रहा है? ये आवाज कहां से आ रही है? लाइट, यहां पर चिपके से आई। मुझे सीआईडी अंकल को बताना होगा इस चिप के बारे में। रश्मि। हाँ। देखो रश्मि, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, और तुम्हारे साथ राघव के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे राघव के बारे में कोई बात नहीं करनी है। देखिए रश्मि जी, राघव का खून हो गया। क्या? राघव का खून हो गया? किसने मारा सर उसको? पता चल जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारा और राघव का रिश्ता टूट क्यों गया? सर, प्यार के रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, इससे प्यार में कोई कमी नहीं आती। अच्छा, चल ठीक है,
पर राघव के पास अचानक इतना सारा पैसा कहाँ से आया? इस बात से मुझे भी बहुत हैरानी होती थी सर। वो मुझे अचानक से बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। मैं उससे पूछती मगर वो मुझे कोई जवाब नहीं देता था, और वो कुछ दिनों से बहुत भटका भटका से रहने लगा। भटका भटका से लगता था मतलब? सर अचानक से उसका मूड बहुत बदल जाता था। एक पल तो वो बिल्कुल उदास हो जाता था, और दूसरे ही पल वो उसको पार्टी करने का बहुत मन करने लगता था, और जब देखो वो बहुत बदला बदला सा लगता था। अच्छा, मतलब बार बार उसके मूड बदलते रहते थे, खोया खोया सा लगता था, अचानक सा पार्टी में जाने को मन करता था, और फिर ये डिविएटेड सेप्टम, लगता है लत लगी थी उसे ड्रग्स की। और हाँ सर, वो रात में अचानक ही पता नहीं कहाँ चला जाता था, और दूसरे दिन शाम में वापस आता था। मैं उससे पूछती कि तुम कहाँ गए थे, वो कोई जवाब नहीं देता था। ये सोनाक्षी नाम की लड़की को जानती हैं आप? नहीं सर, मैं किसी सोनाक्षी को नहीं जानती, पर हाँ वो घंटों किसी औरत से बहुत बातें करता था। कौन कौन औरत? मुझे नहीं पता सर। हाँ, चार दिन पहले उसने उसी औरत से करीब 11:30 बजे बात की थी, तकरीबन 1 घंटे तक, और उसी रात हमारी आखिरी लड़ाई हुई। रेडी, चेक करो राघव के फोन रिकॉर्ड, चेक करो, देखो देर रात को 1 घंटे तक वो किसके साथ बात कर रहा था। सर, नंबर है 110-789-099। पता लगाओ किसका नंबर है ये। हेलो, CID? हाँ, मैं डैनी बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल से। डैनी, बोलो क्या बात है? सर, मुझे लेक के किनारे एक रूबिक्स क्यूब मिला था, और जब मैं उस क्यूब से खेल रहा था तभी अचानक से वो खुल गया। क्या खुल गया? जी सर, और उसके अंदर से मुझे एक चिप भी मिला। कैसा चिप? सर मैं फोन रखता हूँ, कोई आ रहा है। अरे क्या कर रही है आप? मैं रूम की साफ सफाई कर रही हूँ। पर आप हो कौन? मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं। हाँ, मैं नई आई हूँ। तुम्हारे पॉकेट में क्या है? अच्छा, ये इससे तो मैं खेलता हूँ। तुम्हें पता नहीं है वार्ड में कुछ भी खेलना अलाउड नहीं है। लाओ ये मुझे दे दो। नहीं, ये मुझे CID को देना है। चिल्लाना मत, चुपचाप ये क्यूब मेरे हाथ में दो। मैंने कहा क्यूब मेरे हाथ में दो, वरना लाओ। मुझे पता है तुम इसी कमरे में छुपे हुए हो, चुपचाप मेरे सामने आओ। देखो मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं क्यूब तो ले ही लूंगी, तुम्हें भी यहीं मार डालूंगी।
शाबाश, अब अच्छे बच्चों की तरह क्यूब लाकर इस स्ट्रेचर पे रख दो। तुम नहीं बचोगे। पर आपने तो बोला कि आप क्यूब लेकर मुझे छोड़ दोगे। तुम्हें छोड़ दूंगी ताकि तुम सीआईडी के पास जाकर सब कुछ बता दो। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। प्लीज मुझे मत मारो। डैनी, डैनी। सीआईडी अंकल, इसको यहां मारा तो सीआईडी को पता चल जाएगा। डैनी, डैनी। कैसे बच्चा रूम से गायब हो गया, आप लोगों को पता नहीं? सर टैनी हॉस्पिटल में ही होगा, बाहर नहीं गया होगा। सर बाहर बहुत सिक्योरिटी है, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता है। सर, सर, वो नर्स। नर्स? पकड़ो से। वो नर्स को पकड़िए सर। पकड़ो से। सर इसे तो चोट लगी। सर डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं मैम, चलेगा। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इससे ज्यादा चोट लगती है मुझे। फिर भी सर प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। सर, सर हम खामखा भागे जा रहे हैं, उसकी शक्ल तो हमने देखी नहीं, फिर उसे ढूंढेंगे कैसे? मयूर, हम लोग सीआईडी से, हम लोग चोर की शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि वो चोर है, ये तो खूनी है। चलो सर वहां देखिए। सर चलो वहां चलो। वो नर्स रूब्रिक्स क्यूब लेके गई क्या? जी सर। चलो कोई नहीं, हम सही समय पे पहुंच गए और तुम बच गए। और सर चिप भी बच गई। डैनी, तुम जितने बहादुर हो उसे कई ज्यादा होशियार भी हो। एकदम सही बोला सर, सभी मुझे ये कहते हैं। ए, रुक जा! क्या हुआ? सॉरी, हमें लगा कि कोई मुजरिम है, उसके पीछे भाग। क्या मैं मुजरिम दिख रही हूँ आपको? और सुनो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ भागना अलाउ नहीं है। गो स्लोली, ओके? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आप जाइए। सॉरी सर, तक तो वो भाग गई होगी। ब्यूरो चले। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रही है? सचिन, अपनी करामात दिखा। ये तो ऐश्वर्या है। हाँ सर, सोनाक्षी की किटी पार्टी वाली फ्रेंड, इसका भी गला काट के मारा है इसे। सचिन, जख्म ताजा है, लगता है कुछ देर पहले ही मारा है इसे। फ्रेंडी, जल्दी से बाहर जाओ, आसपास पूछताछ करो, देखो शायद किसी ने किसी को जाते हुए देखा होगा यहाँ से। जाओ जल्दी। सर, सर पहले ये सोनाक्षी, फिर राघव और अब ये ऐश्वर्या। सचिन, ये सारे दोस्त हमसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं ये लोग। हाँ सर, ये ऐश्वर्या भी हमसे राघव को जानने की बात छुपा रही थी, जबकि ये आपस में दोनों फोन पे लगातार बातें करते थे। वही तो,
झूठ क्यों बोल रही थी हमसे? ये क्यों झूठ बोल रही थी? नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सचिन, चिप से क्या पता चला? सर चिप का पासवर्ड अब तक नहीं मिल पाया सर। एक काम करो, पांचों दोस्तों के इनिशियल्स की कॉम्बिनेशन करके देखो। सोनाक्षी के बचे हुए तीन दोस्तों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, मिताली, रानी और त्रिशा, ये तीनों अचानक गायब हो गए सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें खूनी ने गायब किया? हो सकता है सर। हाँ? चिप खुल गया। चलो जल्दी बताओ। सर इस लिस्ट में तो इस शहर के बड़े बड़े लोगों के नाम है। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स भी हैं। और ये देखो, उनके नाम के बगल में मात्रा भी लिखी है, पैसे भी लिखे हैं। जरा आगे बताओ। सर ये तो अलग अलग किस्म के ड्रग्स के नाम है, हीरोइन, मरिजुआना, एस्टेसी। लगता है ये पांचों लोग इस किटी पार्टी के आड़ में ड्रग्स का धंधा करते थे। पता चल गया राघव और सोनाक्षी के संबंध का। क्या संबंध हो सकता है सर? राघव को इन सारे लोगों के ड्रग्स के धंधे के बारे में पता चल गया होगा, बस उसका मुंह बंद रखने के लिए राघव को ये पैसे देते होंगे। लेकिन सर राघव को इस गैर कानूनी काम के बारे में खबर किसने दी होगी? उनका कोई दुश्मन जिसने ये राज राघव को बता दिया। लेकिन सर इनकी जान के पीछे कौन पड़ा है जिसने राघव को भी मार डाला? वही दुश्मन फ्रेडी, वही दुश्मन। उसका काफी सारा नुकसान हुआ होगा इनके ड्रग्स के धंधे की वजह से, बस उसने अपना बदला ले लिया। सर ऐश्वर्या के घर से उन पांचों लड़कियों के किटी पार्टीज के कुछ फोटो मिले, शायद उनसे कुछ पता चले। ये छठी लड़की कौन है? सर शायद ये भी इनकी दोस्त होगी। सर ये तो काया है, ऐश्वर्या के मोबाइल फोन में इसकी फोटो और नंबर दोनों थे। काया? लेकिन सर हाल की पार्टीज की फोटो में ये काया दिख नहीं रही है। वही तो, मतलब पिछले तीन महीनों से ये काया गायब है। काया, इसका पता लगाना पड़ेगा इस काया का। जी कही। हम लोग सीआईडी से, काया से मिलना। जी आइए आइए। ये है मेरी पोती काया। ये? ये कैसे हुआ ये सब? अक्सर ऑफिस से लेट आया करती थी। ठीक तीन महीने पहले ऑफिस के बाहर टैक्सी के लिए वेट कर रही थी, एक चोर आया, चाकू मारा और परस छीन के भाग गया। मैम संभालिए अपने आप को, आइए बैठे। चोर ना चाकू मारा, सर तीन महीने पहले राघव पहली बार सोनाक्षी के ग्रुप के संपर्क में आया और तीन महीने पहले काया का खून हो गया। ये कोई संयोग नहीं है, साजिश थी काया को रास्ते से हटाने की। चोर पर्स चुराने के लिए चाकू मारेगा? पर्स चुराना सिर्फ एक दिखावा था पुलिस को गुमराह करने के लिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि काया ने ही राघव को इस किटी ग्रुप के ड्रग डीलिंग की जानकारी दी? लेकिन काया तो खुद इस ड्रग रैकेट का हिस्सा थी, फिर वो राघव जैसे क्राइम रिपोर्टर को अपने ग्रुप के बारे में क्यों बताएगी? हो सकता है वो इस दलदल से निकलना चाहती हो, ग्रुप छोड़ना चाहती हो। उसने राघव को इसके बारे में बताया और राघव पलटी मार गया।
खुद इन लोगों को ब्लैकमेल करने लगा और शायद यही वजह हो काया के खून की। सर कौन हो सकता है खून? ग्रुप में से कोई भी हो सकता है, कोई भी, काया का कोई बहुत करीबी। सर काया का ये एल्बम देखिए। ये देखा, ये है वो करीबी। इससे पहले ग्रुप की बाकी लड़कियों को नुकसान पहुंचा है, इसे रोकना होगा। मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। मेरे अंकल के घर पे कोई आदमी तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डरने की कोई बात नहीं है। चल निकल निकल, तीनों बाहर निकलो, बाहर निकलो। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। बाहर निकलना खड़े। प्लीज हमें छोड़ दो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म तक चुकानी पड़ेगी। अब सजा तुम नहीं, सजा कानून देगा, तुम्हें भी और इन लड़कियों को भी। ए, नहीं लेगा। आइए एसीबी सर आइए, मैं जानता था कि आप मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सजा आप नहीं देंगे, मैं दूंगा, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। ये देखिए, देखो। नहीं 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 एसीपी साहब, आगे मत बढ़िएगा, वरना इस रिमोट का बटन दबाकर ये बॉम्ब फोड़ दूंगा। नहीं, मैं तो मरूंगा ही, साथ में तुम तीनों को लेकर मरूंगा मैं। और हाँ, फिर से गोली चलाने की कोशिश मत करिएगा। अगर ये रिमोट मेरे हाथ से गिरा तो बॉम्ब ऑटोमेटिकली फूट जाएगा। लेकिन क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्योंकि क्योंकि इन्होंने मेरी काया को मारा। अब अगर काया भी तो ऐसे ही धंधे में थी ड्रग्स के, यही होगा ना? सर सर गलती हर एक से होती है, लेकिन वो सुधरना चाहती थी, वो एक गुनाह का रास्ता छोड़ रही थी। अचानक उसने सुधरने का फैसला क्यों कर लिया? सर एक फिल्मों की हीरोइन थी जो इन लड़कियों के गैंग से ड्रग लेती थी, एक दिन ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से काया को बहुत सदमा पहुंचा, उसने सोचा कि वो ये सब छोड़ देगी। उसने इन सब लड़कियों को भी कहा था कि ये काम छोड़ दो, है ना? लेकिन जब इन लोगों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने पत्रकार राघव के साथ मिलकर इनको सबक सिखाने की सोची। हाँ सर, लेकिन वो राघव इन लड़कियों से मिल गया और इन सब ने मिलकर मेरी काया को मार डाला। सर मार डाला। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रही हो। रूबिक क्यूब में जो चिप चिपा हुआ था उसे पाने के लिए नर्स बनाकर हॉस्पिटल में तुमने ही भेजा था ना? वो चिप हमने अच्छी तरह से देख लिए, समझे? हमें तभी तुम्हारे काले कारनामों के बारे में पता चल चुका था। तेरा ये बम कभी नहीं फूटेगा। मौत का खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो लो अब कानून तुम्हें मौत की सजा देगा और शायद तुम तीनों को भी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।